असी दर्शकों नूं सूचित करना चाहते हाँ कि यह वीडियो तुहानूं विचलित कर सकता है। साडा मकसद किसी की भावनावां नूं ठेस पहुँचाना जां आहत करना नहीं है। साडा मकसद तुहाडे तक सिर्फ खबर पहुँचाना है। वीडियो के कंटेंट का असी समर्थन नहीं करते। से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के घर के बाहर किसानों ने पक्का मोर्चा खोला हुआ है और 9 अक्टूबर से धरने पर बैठे किसान अपनी मांगे मनवाने पर अड़े हैं। लेकिन बीते दिन कुछ किसान अपनी ट्रॉली से वापस अपने गांव को जा रहे थे कि रास्ते में हमलावर ने उनसे एक लिफ्ट मांगी और ट्रॉली में चढ़ने की इच्छा जताई। किसानों ने उस हमलावर को अपने साथ बिठा लिया, लेकिन आगे जाकर उस हमलावर ने अपने पास रखे तेजधार हथियार से किसान को पकड़ लिया और उसके एक हाथ को जख्मी कर दिया। इसके साथ साथ एक किसान के चेहरे पर भी उस हमलावर ने दांतों से काट दिया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अपना ही मैला रोड नहीं है जड़ा जाने के अपना घराटा असी घराटा जा रहे थी तो उतो किसान की ट्राली देखी तो उस कोई गलत हंस चढ़िया हुआ थी गई ट्राली चा तो बजुर्गों के लग गया किरचा मारना। उन्हें चाकू काट लिया, एक दो बुजुर्गों के भी चाकू मारे उन्हें तो उस बाद चो असी चलो छुड़ाने वास्ते उन्होंने उस उधरों खेतों भज गया। वो खेतों चो लिया उन्होंने चलो उत्थे हथों पाई हुई उन्होंने कुटन लग गए सारे तो उदू बाद चो मेरे कन्नी हो गया तो उन्हें मेरे बुरक भर लिया दंदी वड ली उन्हें। हाँ जी मास उन्होंने नहीं पता वह नगा नु गई मास नशेड़ी बंदा थी गई शायद कुछ खादा पीता हुआ थी गई वह किसी लवे भी नहीं लगन दे रहा थी गई। जख्म तो जी बहुत जबरदस्त आ गया, सारा मूँह खराब करता। 22 साल की उम्र है भाई, जी पढ़ाई भी कर रहे नाल। डॉक्टर ने की कहा? डॉक्टर ने उरों संगरूर तो रैफर कर रहे पटियाले लई सर्जरी वास्ते। ठीक है जी, कोई ये नहीं है भी असीं गरीब घर के जवाक हाँ। कार्रवाई वो बंदे भी आनी चाहिए, बाकी साडा सारे किसान जी उन्होंने यही बेनती है कि मेरे भाई ने सिर्फ किसान जी ने पिछे ये गल की। ठीक है जी, हाँ भी पता लगना चाहिए भी कारण की थे, कौन बंदा थी भी की वो थी सानू बनती कार्रवाई का। किसानों को जख्मी करके हमलावर जैसे ही ट्रॉली से उतरकर भागा तो किसानों ने उसे पकड़ लिया और खूब पिटाई की और उसके बाद उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि किसानों की मदद करने वाले एक नौजवान के मुंह पर हमलावर ने अपने दांतों से काटा, जिससे उसके गाल पर 5 इंच गहरा जख्म हो गया। इसके साथ साथ आरोपी ने भी और किसानों पर भी हमला किया। आरोपी ने अपने खंजर के साथ एक किसान के हाथ पर हमला किया, जिससे वो किसान बुरी तरह से घायल हो गया। बहरहाल किसानों ने ट्रॉली से उतरकर भाग रहे आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। किसानों के मुताबिक हमलावर ने बहुत ज्यादा नशा किया हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आखिर ये आरोपी है कौन और उसने हमला क्यों किया, इस पर तफ्तीश जारी है। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਨ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੈਵਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਬਿਠਾ ਲੈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰ ਬਿਠਾ ਲੈ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਕਿਰਚ ਕੱਢ ਲਈ, ਕਿਰਚ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਬੇੜ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਾਰ ਦੂੰ, ਨਿਬੇੜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਨਿਬੇੜੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੱਤ ਲੱਗੀ ਕਿਰਚਾ, ਉਹ ਰਾਮਚੰਦ ਦੇ ਰਾਮਚੰਦ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕਿਰਚ ਲੱਗੀ, ਮਾਰੋ ਚੱਫਾ ਕਰ ਲਏ ਚੱਜਰ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇਹਦੀ ਟਰੈਕਟ ਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਕ ਲਓ ਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਾਹਾਂ ਰੁਕਾ ਆਪਣਾ ਸੌ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਲੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਟਰਾਲੀ ਤੁਸੀਂ? 15 ਜਾਣੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਬੁੜੀਆਂ ਸੀ? ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਇਹ? ਖੇੜੀ ਤੋਂ, ਪਿਛੋਂ ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਆ ਉਰੀ ਕਰਿਆ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀ ਬਾਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਦੀ ਮਗਰ ਖਿੱਚੂਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਛਾਲ ਰੋਕੀ, ਛਾਲ ਕੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਪਰ ਕੇ। आपको बता दें घायलों को संगरूर के डॉक्टर रविंद्रनाथ सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उनका इलाज जारी है। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि किसानों पर हमला करने वाले शख्स का आखिर इरादा क्या था। साडे कोल एक पेशेंट विक्की है जी, सन ऑफ केवल सिंह ते रहण वाला उपली दा, ते ओदे किसी बंदे ने दंदी दंदी वड ली है सज्जी गल ते, ते उहदा मैडिकल कराया सी ते पर्चा कटिया ते दंदां वाले डॉक्टर नूं बुलाया, दंदां वाले डॉक्टर आके देखणगे की करना। जख्म फस्ट पहली बार देखण ते कैसे तुहानूं जख्म लगे जी, कितना ज़्यादा?
ਜ਼ਖਮ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ